नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। आज मैं फिर लेकर आई हूं एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और साथ में वहां के प्रत्याशियों की राजनीतिक पुण्य। आज हम बात करेंगे कोटा की रामगंज मंडी विधानसभा सीट के बारे में। रामगंज मंडी में सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामगंज मंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां से कांग्रेस ने रामगोपाल बैरवा का टिकट काट कर महेंद्र बाजोरिया पर दाव खेला है और बीजेपी ने एक बार फिर मदन दिलावर को मैदान में उतारा है। यहां के 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी के मदन दिलावर ने 90,817 वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के रामगोपाल बैरवा को 77,938 वोट मिले। इस मुकाबले में मदन दिलावर ने 12,879 मतों के भारी अंतर से रामगोपाल बैरवा को हरा कर यहां से जीत हासिल की थी। 15 साल से जीत की आस लगाए बैठी कांग्रेस को पिछले चुनाव में भी यहां से निराशा ही हार गई। रामगंज मंडी विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार 3 चुनाव यहां से जीती रही है। 2008 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चंद्रकांता मेघवाल को जीत मिली थी, तो 2013 के चुनाव में भी चंद्रकांता मेघवाल ने दूसरी बार यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन 2018 के चुनाव से पहले चंद्रकांता मेघवाल को लेकर पार्टी के अंदर काफी नाराजगी चल रही थी। ऐसे में पार्टी ने उनका टिकट बदल दिया और मदन दिलावर को मैदान में उतारा और उन्होंने भी यहां से जीत हासिल की। रामगंज मंडी विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो यहां पर 2,46,600 के आसपास मतदाता है। यहां सभी जाति के वोट मायने रखते हैं, लेकिन यहां से चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवारों के लिए उनके समाज के वोट काफी मायने रखते हैं। ये वोटर्स उनकी हार और जीत तय करते हैं। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र राजौरिया की, तो वे कांग्रेस कमेटी राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं। ये पीसीसी सदस्य में रह चुके हैं। ये पिछले एक साल से रामगंज मंडी क्षेत्र में राजनीतिक में सक्रिय हैं। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी मदन दिलावर की, तो रामगंज मंडी में वर्तमान में ये विधायक हैं। ये 1990 में पहला विधानसभा चुनाव जीते थे। मदन दिलावर 2003 से 2008 तक सहकारिता और समाज कल्याण मंत्री रहे हैं और 2 बार भाजपा के प्रदेश महामंत्री बने हैं। इस बार रामगंज मंडी विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। आज बात की रामगंज मंडी विधानसभा सीट की, अगली बार फिर मिलूंगी और एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण से आपको रूबरू करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।